अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाह फैसल तांडी सुबह कुकिंग शो। उम्मीद सब खैरियत से हूँ ऐं जेका रेसिपीज़ टाइम पर तांजी फरमाइशन से गड गड पंजी भी मां रेसिपी खड़ी पे अचा। अज मां छा ठाईंदम चिकन लास्ट जेको मां तांखे ठाई सिखारी हुई फ्राइड चिकन दही से गड जिन जिन मैरिनेशन कई हुई। हे थोड़ी फ्राइड चिकन है मज़ेदार तिक्के वांगर ठंडी और इनके जरूर ट्राई कजो। एक किलो जी रेसिपी आ है, ठीक है। अगर घट मेंबर हों तो मसाला उनकी क्वांटिटी घट कर वा कर उनसे गड भाजी जी नाहिद खान मुझे कि सब्जी जरूर रखा करें एक वेजिटेबल तो वेजिटेबल जो भाजी चिकन का बीफ का बेस्ट है कि भाजियों खाइंदा कर इनमें असंक फायदों पे लेकिन सुठी भाजी ताज़ी अजकल जो सीजन वाइज मिलन पे उ तो अज असाईंदी बंद गोभी की भाजी तमाम मज़ेदार रेसिपी ठंदी भाई। इनके नोट कजो सुबह जो यारह लगे रिपीट हों कुकिंग विद शेफ मुझे पेज है उतने रेसिपी अपलोड थी वी। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे फ्राइड चिकन बना रहे हैं, फ्राई करेंगे तिक्के स्टाइल में होगी, बड़ी मज़ेदार कोटेड होती है और इसको आपने ट्राई करना है। एक किलो की रेसिपी होगी, इंग्रेडिएंट्स में बताता जाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ बंद गोभी बना रहे हैं, पत्ते वाली पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, बंद गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। और दोनों रेसिपीज़ नोट कीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा आप कॉल कर सकते हैं। किचन में हलूँ था रेसिपी स्टार्ट क्यों था रेसिपी केतरी केतरी क्वान्टिटी जी कड़ी कड़ी शे असा विझंदासीं सब तक डिटेल में बुधाईंदा वेंदासीं, ठीक है। चिकन लाइ असांखे चिकन मां हिकु किलो गोश्त जो हिसाब तव्हांखे ॿुधायां पियो। या त साबित चिकन आहे त हुनजा तव्हां 12 पीस कराईंदव, ठीकु आहे। साबित चिकन जा 12 पीस कराईंदव ऐं अगरि तव्हां गोश्त वठी वठो कटिंग कराई वठो पिया त पोइ हिकु किलो जे हिसाब सां रखिजो, ठीकु आहे। उहा अधु मुर्गी ठही वेंदी आहे, ठीकु आहे। चिकन जो मां यूज़ कयो एक किलो गोश्त का वज़न है इसमें, ठीक है। लेकिन आप जब पूरी मुर्गी लेंगे तो अपने इसके 12 पीस करवा देने, ठीक है। 12 से 16 पीस भी करवा सकते हैं, 12 पीस नॉर्मल होते हैं, 12 पीस करवा लें। और अगर आप चिकन कटवा के ले रहे हैं या कम क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो हाफ चिकन का आप बना सकते हैं, जैसे वो एक किलो वज़न या तीन पाव जितना होगा, ठीक है। बड़े पीसेस करवाइएगा, 16 पीसेस करवा सकते हैं लेकिन 12 पीस सही रहते हैं, ठीक है। एंड जी मैरिनेशन में असंख्य छः शय विझणी होंगी वे मैं बुधाया तो सभी का पहले असा पत्ता गोभी जो है फूल बंद गोभी की होंगी फूल गोभी एक होंगी बंद गोभी मां तक बंद गोभी ठाण सिखारा पो बंद गोभी एक तकरीबन ही टे पाजे करीब या अध किलो जी तेज घर में मेंबर्स हो हिसाब से ही अध किलो जो एकड़ो पीस हो इनके बारीक कटिंग कर छी ब गंड बसर इन इतने हाफ स्लाइस कटिंग थे ब वा टमाटा गाढ़ा ये कटिंग थे, ठीक है। एक अदद बंद गोभी हाफ के जी होगी या डेढ़ पाव भी कर सकते हैं, हाफ के जी होती है, एक वजन इतना होता है इसका। दो अदद प्याज दरमियाने साइज के हाफ स्लाइस कटिंग किए हुए, दो बड़े टमाटर लाल चॉप किए हुए, ठीक है। इसके साथ हम गोभी बनाएंगे और जो मसाले इसमें थोड़े भगार में इंग्रेडिएंट्स थोड़े डिफरेंट करके डाल रहा हूँ, ठीक है। राई का इस्तेमाल करेंगे इसमें और मैरिनेशन फिर हम चिकन की करते हैं इसके बाद, क्योंकि गोभी को थोड़ा टाइम लगता है पकने में तो हम इसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी का पहले छा कंदासीं, इनमें विझंदासीं ऑयल हसबे ज़रूरत, पानी में इसका ड्राई कर दूँ, ठीक है। इसको ड्राई कर लिया, इनके मां खुश कर छो पानी मां खुश कर छो टाइम बचन जैसे इन जो पानी छाकाण वॉश थियल रखल हुंदा आहिनि तां त हिन करे पानी हुंदो आहे इनमें। सभिनी खां पहिरीं असां खणंदासीं ऑयल। ऑयल सब्ज़ी में हमेशा घटि इस्तेमालु कंदा कयो, 6 खाइण जा चमचा ऑयल विझां पियो, ठीकु आहे। सब्ज़ी में असां ऑयल हमेशा घटि इस्तेमालु कंदा कयो, इहो छाकाणि त सब्ज़ियुनि खे ऐं असां बीफ मटन चिकन या फिश ठाहींदा आहियूं मच्छी ठाहींदा आहियूं त पोइ ऑयल जी क्वांटिटी तव्हां वधाईंदा कयो, लेकिन भाॼियुनि में ऑयल जो इस्तेमालु घटि कंदा कयो। 6 खाइण जा चमचा मां अधु किलो जे हिसाब सां खईं आहे। कॉल वठूं था, हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाहिद खान आपके? हाँ मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने कलेजी बनाई थी आपकी दी हुई रेसिपी से, ठीक है। लेकिन बहुत शानदार बहुत डिलीशियस बनी, बहुत अच्छी बनी थी। एक मैंने मिस्टेक उसमें की है या समझ ले कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे दही अवेलेबल नहीं था तो दही की बजाय मैंने टमाटर की जो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी थी ना, ठीक है। बहरहाल बहुत मजे की बनी थी ना, थैंक यू आपने बताया। हाँ और वो जो आपने बढ़िया मुझे तो नाम भी नहीं आता रहा मुझे, अच्छा मुझे वो सब बना रहे हैं आप, मुझे ये बताएं आपने भिजवाई नहीं मुझे चखने के लिए तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको तस्वीर अच्छा अच्छा पता है मेरे ख्याल में आप किसी कॉलेज में भी है ना शायद? हाँ
मैं कॉलेज में नहीं होती, स्कूल में हेडमिस्ट्रेस होती हूँ ना स्कूल में। हाँ मैं आपकी देखी है ना पिक्चर्स, तो मुझे लगा कि आप कहीं प्रिंसिपल हैं, कुछ हैं जरूर ना। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब कुछ प्रोग्राम्स करने में जा रहा हूँ हैदराबाद, नवाबशाह वगैरह, इधर कॉलेजेस और स्कूल्स में, गर्ल्स कॉलेजेस वगैरह में कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं कॉम्पिटिशन के, तो मे भी हो सकता है आपका स्कूल भी हो उसमें ना, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है। चलें ठीक है, ठीक है, ऐसी अगर बात हो तो आप ठीक है, क्योंकि हमारा लाइनअप हुआ हुआ है हैदराबाद का भी ना कुछ, मैं भी नेक्स्ट वीक में जाऊँ। और वो लास्ट टाइम लास्ट ईयर जो हुआ था, हमने पब्लिक स्कूल में फंक्शन किया था, उस टाइप का कोई फंक्शन दोबारा अरेंज करने का प्रोग्राम है, 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 है इंशाल्लाह। और वो मैंने सुना है कि हैदराबाद में ही अगेन कर रहे हैं ना दोबारा, जो वो हुआ था हमारा फेस्टिवल 3 डेज का हुआ था, तो अब ये देखें कब डिसाइड होता है, डेट होगी तो इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। हाँ, आप अनाउंस कर दीजिएगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और आपको बाड़ियाँ जरूर बनाएंगे, जो सोयाबीन की होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जरूर बनाऊंगा। असल में क्या है नाइक खान, वो हर जगह मिलती नहीं, वो यहाँ सदर में एम्प्रेस मार्केट है कराची में, वहाँ पे मिलती है, मैं अपने घर के लिए भी वहीं से लेता हूँ, तो मैं वहीं से लूंगा ना, तो वो मैं जरूर बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे हमने ऑयल गर्म किया, ऑयल गर्म कयो, ऑयल केतरो है 6 खंड जा चमचा ऑयल गरम क्यों, इनमें अच्छा विजंदासी 1 चाय जो चमचो अच्छो जीरो, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, ठीक है, 1 चाय जो चमचो अच्छो जीरो विदो, राई जेका होंगी है सरे जा बिज हूँ, ठीक है, राई सरे जा बिज कुटियल है दिखार जो, सरे जा बिज जेका राई होंगी है कुटियल, यो असाजे अंदर विजंदी केतरा 1 खंड जो चमचो, 1 टेबल स्पून राई डालेंगे कुटी हुई, इसको ब्लेंड करके रखें, ग्राइंड करके रखें, तो राई से क्या होता है बंद गोभी जब आप बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैं राई डाल रहा हूँ, ठीक है, ये हर जगह मिल जाती है राई, हर जगह मिली थी बने सरेजा बिज इतने जी, 6 खंड जो चमचो ऑयल विधो, इनमें 1 चाय जो चमचो जीरो विधो, हाँ इनमें 1 खंड जो चमचो या 2 चाय जो चमचा राई विझो, राई विझण से गड ही इनमें विझंदो अदरक थूम जो पेस्ट फौरन विझो, राई सड़ी वेंदी, ठीक है, राई डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून फौरन मैंने डाल दिया, क्योंकि राई जो होती है वो जल जाती है ज़्यादा पकाने से, ठीक है, ऑयल में कड़वापन आ जाएगा उसका, इसलिए इसको हल्का सा मिक्स करें अदरक लहसुन की, जैसे इसमें खुशबू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे प्याज, हाँ ऐसा इनमें विझंदासी बसर, हाफ स्लाइस कटिंग थियल है बसर, बसर भाजीन में जदे विझबो है तो अधिक गाढ़ो ना कबो है, ठीक है, हल्का गुलाबी कबो है, प्याज को इसमें भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, बसर के भुजंदासी खुशबू इंदी, अच्छा बसर सा गड़ी इनमें मैं वे जहाँ पे साओ मिर्च 1 अदद, 1 अदद हरा मिर्च चॉप करके डाल रहा हूँ प्याज के साथ, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, 1 अदद साओ मिर्च मैं इनमें विझी छड़ी, साओ मिर्च विझी इनके फ्राई कंदासी, 1 अदद हरा मिर्च फ्राई कर रहा हूँ इसके साथ ही प्याज के, ताकि जब प्याज हमारा भुनेगा उसमें हरी मिर्च का भी फ्लेवर आ जाएगा, इनके चंगी तरह मिक्स करना सी, बसर असो नरम थी है, जैसे ही बसर नरम थी दो तो इनमें टमाटा विझबा, टमाटा विझी इनके कवर कबो, कवर करे पो इनके असा टमाटर के नरम करना सी, पो इनमें मसाला विझी बंद गोभी विझबी, ठीक है, बिल्कुल हर तरीके से बनती है गोभी, हर कोई अपने हिसाब से बनाता है अपने घर में, हर किसी का अपना तरीक़ेकार होता है, लेकिन राई जैसे मैंने डाली शायद आप ना डालते हो, लेकिन राई आपने डालनी है, ठीक है, जी बंद गोभी असा ठाईंदा आयूँ घर में, उनमें असा राई ना विझंदा आयूँ या जीरो भी ना विझबो है, काफ़ी मानू पांच तरीके से ठाना है, तो हे तरीके से तुम जरूर ठाए जो डिफरेंट तरीको है। कॉल वो असल बिल्कुल ठीक ठाक, अमां तुम बुधा हलन था बिल्कुल इनशाला बिल्कुल अल्लाह बेहतर कह सब आमीन आमीन। हाँ खालिद भाई ठीक है ना, वो शूट से वेल आइन ना शूट सलन पे आउटडोर आइन आमीन आमीन जजाक अल्लाह को फरमाइश है ताजी। हाँ मुर्गी जा पीस ठाया पियो रोज का ठाया है रोज मुर्गी जो हाँ जेको पोए हफ्ते ठायो जी मां ठाया दादा सुठा थिया दादा वणिया सभी हेलो मेहरबानी आई यो वारो भी ठाए जो ये जो मां हाने आज ठाए सिखा रहे हैं पे यो भी जरूर ट्राई कजो हां इंशाल्लाह फिर मैं जब लाल आन जाए तो माता ने फेसबुक पे डाला ला ला मुके नहीं दो आ अच्छा जी बाबा हेलो ठीक है पंजो ख्याल रख जो ठीक है दुआ में याद रख जो बिल्कुल बेसण जा लड्डू हाँ मैं इंशाल्लाह जरूर अगे हफ्ते ठाई तो दिया ताके ठीक है बेसण मेहरबानी पंजो ख्याल रख जो अल्लाह हाफिज प्याज यहाँ पे जैसे नरम होने लगेगा प्याज का कलर चेंज हो जाए बसर इतने अना थोड़ो इनके फ्राई कंदासी बसर के जी जो कलर थोड़ो गुलाबी थियण लगंदो ठीक है प्याज जब इसमें भूनना शुरू किया
हरी मिर्च भी साथ साथ भूनते जा रहे हैं। बसर इतने फ्राई थे पे चिकन के छाके में था कट लगाई था चलूँ चिकन जो पीसेस के कट लगाई था चलूँ चिकन के जो पीसेस हैं उसको हमने कट्स लगा देने। कट लगाने से क्या होगा चिकन के अंदर मसाला अच्छा सा आ जाएगा। इन तरीके से कट्स लगाए जो ये तिक्के के कट्स लगाए बहन ठीक है। तिक्के की तरह आपने चिकन को कट लगाना है। एक किलो चिकन आए फिर सो हिं डीप कट्स लगाए जो ताकि ताकि हड्डी ताई फील थे चिकन जो कट ठीक है। गड गड बसर के फ्राई कयो था कॉल वठो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब आदा बिल्कुल ठीक ठाक आदी कह रहे हैं किथा गलायो पिया आदा मिति गनी की चला है जोहा जी आदी छा हाल है ताजा बिल्कुल ठीक कमा बताया था ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं ताजो आदा ता के जो पूछनी जी आदी ता के कुछ पूछना होयो बिल्कुल पूछो आदी आदा जी ता कुछ सिखा रहो ना वो ऐसा उन में ठाए के रखा ना पर उन्होंने जो बॉक्स मंगवा उनमें किए ठाए रखा हूं छाशे सिखा रही हूं अदा कुल्फी था सिखा रही ना खोया वाली हां हां कुल्फी कुल्फी जी तो उन्होंने पूछूं था अगर ऐसा बॉक्स में खाए हूं तो वही वाली को खाए बिल्कुल बॉक्स ना ना बिल्कुल बॉक्स में भी सागे तरीके से भरी रखन दो ठीक है। आई होने के फ्रीजर में रखी छ जो 12 कलाक 12 का 15 कलाक अगर लाइट न थी होने फ्रीजर सुठो हले पे 12 का 15 कलाक या शाम जो सुबह जो ठाई रखो रात तक तैयार थी मेंदी 12 का 15 कलाक लगन है जी एक पोर्शन बुधाया पियो 12 जो त वो 16 कुल्फिन ताई ता 18 कुल्फिन ताई ठाई सगो ता यानी बॉक्स ठई विंदो त कंडेंस मिल्क जी क्वांटिटी उनका हाफ बधाई छजो जी ठीक है। एक कप है त 1.5 कप करी छजो खीर जो भी आईना 1.5 करी छजो हिस्सो आई माव जेको फिको विजु पिया उन में एक कप आए त 1.5 कप करी छजो इया करी छजो। अच्छा अदा दो जो ता ऑयल सिखा रहे हो उन जे जे हेते मेथी दाना है ना उवे आने बची पे तो उन के चार ऑयल खत्म खींच को ऑयल खत्म थी वे अगेन हुने में वापस ऑयल विजी छड़ो हुनी बोतल में मेथी दाना जे पुराना है वो पियाओ जन नवा हुन जे अंदर ब्या विजी छड़ो नवा ब्या भी आया था पर माते माते ऐसा हाफ के जी खंडा है तो हाफ के जी में तो मुखे जार इतनी है जे हाफ के जी खाई वेंदी है तो उन में बिग वरी वधिक थी ना ये वो ठीक है। अगर बिल्कुल खाली थी वही है तो उनके वॉश करे वरी उनके पानी खुश करे उन जे अंदर वरी ठाई विजी छड़ो। अच्छा यहाँ पे टमाटर को मैंने कवर कर दिया था टमाटर के हम कवर कर ताकि टमाटर असा गरी वन टमाटर जब गल जाएंगे अब इसमें हमने डालने मसाले हाँ असन में मसाला विजासी पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो हेड विजासी एक चाय जो चमचो लूण विजासी अध चाय जो चमचो ठीक है। पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच नमक आधा चाय का चम्मच चला गया ठीक है। हाँ विजासी पीठल धाना पिसा हुआ धनिया सब्जी में डलता नहीं लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। दो चाय के चम्मच धनिया पाउडर ब चाय जो चमचा पीठल धाना एक चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च ठीक है। यो विझण का पोइ में गरम मसालो पाउडर थोड़ो सो विंदो फ्लेवर लाए क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर हली वो इसको भूने मसाले को अच्छी तरह। पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो हेड एक चाय जो चमचो पीठल धाना ब चाय जो चमचा कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो लूण अध चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर चौथों चाय जो चमचो विधो इनके मसाले के भुजंदी ठीक है। पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर दो चाय का चम्मच नमक आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर चौथा चाय का चम्मच डाला। मसाले को अच्छी तरह बिल्कुल भून लें जब ये आप देखेंगे ऑयल बिल्कुल अलग होने लगेगा इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें चंगी तरह ही दिसो मसालो ही दिखा जो मसालो चंगी तरह भुने छो ऑयल मथे अचे पो हाँ इनमें पत्ता गोभी जो है बंद गोभी यो विझासी ठीक है। बंद गोभी डाल दी आधा किलो छकन तो काफ़ी मानू बंद गोभी न खाईंदा लेकिन इन करी करी मां इनके थोड़ो डिफरेंट करे ठाया पियो छोकि नॉर्मल जो ठंडी है उनमें जस्ट गाढ़ा मिर्च हेड लूण यो विझबो है ठीक है। टमाटा उन इनमें मां काफ़ी सारी शयूँ बतायूं इन कर फ्लेवर तक सुठो लगन ठीक है। तरीकेकार इनको बिल्कुल डिफरेंट है इसको अच्छी तरह मिक्स करें 4-5 मिनट आपने भूनना है ट्रे का 4 मिनट इनके भुंजंदी ठीक है मीडियम फ्लेम पे। इसका तरीके का थोड़ा डिफरेंट आपको मैंने बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग खाते नहीं हैं पत्ता गोभी क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती है और बहुत से लोग कहते हैं कि अजीब लगती है नहीं खाते लेकिन खानी चाहिए बहुत ताकतवर है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है
اور بادی بھی نہیں ہوتی ہے, وہ والی پھول گوبھی بادی ہوتی ہے. کال بیٹھوں تھا. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فیصل بھائی, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور مجھے ڈھوکلے کی ریسیپی آپ بتا دیں. کس چیز کی؟ وہ جو ڈھوکلے. جی ٹھیک ہے, ڈھوکلے میں نوٹ کر لیتا ہوں, انشاءاللہ بنائیں گے. ڈھوکلے بہت مزے کے بنتے ہیں. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کیا کریں, ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے, لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. چلیں انشاءاللہ میں نوٹ کر لیتا ہوں, جلد بنا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اچھا اس کو دو چار منٹ اور بھونتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 منٹ بھونجن کا چاہتی دو, یہ بالکل سیٹ تھی ویندی. اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1/2 کپ پانی. ادھا کپ پانی بھی جانا سی ودھک نہ. ٹھیک ہے, آدھا کپ پانی چلا گیا اس کے اندر. اس کو کریں گے مکس اور دم پہ رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ. ان کے کندھا سے ادھا کپ پانی بھی جی ان کے مکس کرو. مکس کرنے کا پوائنٹ کے کور کندھا سی اور دم پہ رکھی چلندا سی ان پاسے. ٹھیک ہے, اس کو دم پہ رکھتے ہیں. دم پہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ گل جائے گی, 15 سے 20 منٹ میں تیار ہو جائے گی. پھر اس کو بھون کے ہری مرچ ڈال کے لیمن جوس تھوڑا اس کے اندر جائے گا اور پھر اس کو مکس کر کے ہم نکال دیں گے. اوہ چکن کو کٹس لگانے تھے, چکن پیسز کے کٹس لگائے تھے. چلو ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے تکے کی طرح کٹس لگانے. انم حیدرآباد کھائن. ہلو السلام علیکم. سلام, ٹھیک ہے آجا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. انم چھا حال ہے تاں جا؟ جی آجا بالکل ٹھیک ہے آجا, تھینک ٹھیک ہے اللہ جا شکر. جی آجا تھینک پوری ٹیم کے. سلام. وعلیکم السلام. اچھا مارننگ میں ریپیٹ میں بھی نہ ہوندی ہے؟ چھائے اچھا لائٹ جو ایشو تھی. ہلو انشاءاللہ صحیح تھی ویندی, نہ تو پیج تے تا تہا آیو. جی ہاں بالکل. ایدا مکے کرو کچھ پوچھو ہو جائیں گے بدا جی کری دیتا ہے. چھا شے پوچھنو فریز کرن جو طریقو بدھایا یا ٹائمنگ؟ ٹھیک ہے, 6 مہینے تھی تک ان کے رکھی سکو تھا. 3 مہینہ میں کوشش کرو جلدی ختم تھی وے. آئی طریقہ کار یہ ہے, اگر 5 کلو مٹر وٹو پیا نا, ٹھیک ہے, 5 کلو مٹر کے تم چھلے وٹھو تو 2.5 کا 3 کلو نکلندا. ٹھیک ہے, ان کا پوچھ کرو ان کے چنگی طرح دھوئی چھانی میں رکھی چڈجو, پانی بوائل کجو. ٹھیک ہے, پانی بوائل کرے ان میں 4 کھنڈ جا چمچہ کھنڈ وجو. ٹھیک ہے, 4 کھنڈ جا چمچہ کھنڈ وجو. مٹھی سوڈا جو پکوڑن میں وجبی ہے وہ ادھ چائے کے چمچے کا تھوڑی گھٹ وہ وجی, پانی کے بوائل کجو. جدید پانی بوائل تھو تو مٹر جے دھوتل ہیں ان کے اندر وجو, 1 منٹ کا متے نہ بوائل کجو, بس 1 منٹ میں بوائل تھے, ایک بار جوش اچھے ان میں 3 دفعہ. ان کا کڈی چھانی میں وجو, چھانی میں وجو متھا نل جو سادو پانی ہوں چنگی طرح ان کے اندر وجو تاکہ تھدو تھی ونے. چھانی میں پانی نکری ویسے 4-6 کلاک ان کے چڈجو, صفا تھدا تھی ونن. ٹھیک ہے, وہ ان کے ننڈے ننڈے شاپرس میں بھرے رکھی چڈجو, اگر 2-2 کپ یا 1-1 کپ جتنی تھی یوزیج میں ہے وہ شاپرس میں بھرے اور فریز کر چڈو. جدید ٹھائنا ہوجن 15 منٹ پہ کڈی پہ ان کے ٹھائی سکو تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ. پانچ کھوڑ سارا خیال رکھجو, انم بریک تے ونوں پیا. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. اچھا بریک جو ٹائم تھو کاڈنا جو شارٹ بریک وٹو, بریک کھا پچھے چکن کے میرینیٹ کرنا سی, ان کے فرائی کرنے جو طریقہ بدھائیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک تے ہونے کا پہری تھا ساموں جے کو ماں پتا گوبھی ٹھائی پے پھول کو سوری بند گوبھی وہ تیار تھے پے. چکن کے اساں تے کٹس لگائی چڈو. ٹھیک ہے, چکن کو میں نے کٹس لگا دی, اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے مسالے کے ساتھ. چکن کے پیسز ڈال دیں, چکن جا پیسز. ٹھیک ہے, چکن پیسز ہو گئے, اب اس میں جو جو مسالے جائیں گے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت مزے کی فرائڈ چکن بنے گی, بالکل تکے کی طرح ہی بنتی ہے اور یہ بہت کوئک ریسیپی ہے. بس اس کو آپ میرینیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے 3 سے 4 گھنٹے, اس کے بعد آپ اس کو بنائیں. ٹھیک ہے, ہاں ان میں مسالہ چھا ویندا, چمچہ کھڑی وٹوں میجرمنٹ سا وجھ جو مسالہ
हिन में विझंदासीं हिकु चांहि जो चमचो, हिकु किलो चिकन आहे, ठीकु आहे, हिकु किलो वज़न आहे गोश जो इहो। अगरि ॾेढ खां ॿ किलो पूरी चिकन आहे त हुन में मसाला ही वधीक वेंदा, लेकिन हीउ हिकु किलो आहे, ठीकु आहे, हिकु किलो चिकन जे हिसाब सां मां मसाला ठाहियो। वज़न जो है चिकन का एक किलो है। अगरि फुल चिकन हम लेके कटवाते हैं तो वो डेढ़ पौने दो से दो किलो की होती है, जब छील के वो डेढ़ किलो निकलती है, ठीक है, उसके बाद हम उसके 16 या 12 पीसेस करवाते हैं तो वो चिकन का वज़न होता है डेढ़ किलो। ये एक किलो गोश्त का वज़न है, ठीक है, इसलिए मसाले उस हिसाब से रखिएगा। इनमें भी जंदा सी डेढ़ चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, डेढ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, डेढ़ चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, एक चाय जो चमचो विझंदासीं हेड पीठल, एक चाय का चम्मच इसमें गया हल्दी पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच हमने डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे नमक एक चाय का चम्मच, एक चाय जो चमचो लूण, ठीक है। इनका पो चाट मसालो इनमें विंदो ब चाय जा चमचा, दो चाय के चम्मच चाट मसाला, इस तरह भर के लेवल में डालना है, ठीक है, इन तरीके से भरे विझंदासीं लेवल में ब चाय जा चमचा चाट मसालो, ठीक है। इतने असा छा विझंदासीं हाने अछो जीरो एक चाय जो चमचो और साबुत धाणा एक चाय जो चमचो, बिन्हीं के तए के मथा सेके मिलाए और कुटे छो, ठीक है। एक चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा था, एक चाय का चम्मच साबुत धनिया है, ठीक है, दोनों को तवे के ऊपर रोस्ट करें, उसके बाद ठंडा करके कूट के ये डाल रहे हैं इसमें दो चाय के चम्मच सफ़ेद जीरा और साबुत धनिया भुना कुटा हुआ, ठीक है। ये डालने के बाद हम डालेंगे लेमन जूस, लेमन जूस इसमें कितना जाएगा, छः खाने के चम्मच, छः खाने का चमचा लीमे जो रस, दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ब खाने का चमचा अदरक थूम जो पेस्ट, ठीक है। नोट कंदा वंजो गरम मसालो पाउडर विंदो इनमें अध चाय जो चमचो, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे बेसन, बेसन इनमें विझंदासीं ब खाने का चमचा, दो टेबल स्पून बेसन, ब टेबल स्पून बेसन हलियो वो, और कॉर्नफ्लोर जो कॉर्नफ्लोर असा विझंदा आयो चाइनीज में घाटे करण लाइ वो है कॉर्नफ्लोर, ब खाने का चमचा, दो टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें क्या डालेंगे, रेड फूड कलर, गाढ़ो या गाढ़ो जर रंग ना है फूड कलर, ठीक है, तो पो तां पीलो जर्दे जो रंग विझी छो, क्वार्टर टी स्पून रेड फूड कलर, क्वार्टर टी स्पून इसमें कलर आएगा बहुत अच्छा, ठीक है। इसको अब मिक्स करते हैं, ग्लव्स पहन के कीजिएगा, शॉपर पहन के हाथ पे कलर आ जाएगा, मैं स्पून से कर रहा हूँ जी। दीपिका हैदराबाद से, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अदा सुन के ब्रोस्ट चिकन ब्रोस्ट ठाणे सिखा रहे हो? अच्छा अदीप, चिकन ब्रोस्ट, ठीक है, ताके ठाणे सिखांदे से थोड़ो वेट करनो पइंदो, ठीक है, ताके चलो सही है, इंशाल्लाह जरूर ठाणदा से, ठीक है, पंजो ख्याल रखो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना होता है, लेकिन कलर की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं, आप शॉपर पहन के या ग्लव्स होते हैं वो पहन के अपने मिक्स करना है, ठीक है, चंगी तरह इनके मिक्स कर दो। इनमें कलर ॾिसो रेडिश टोन ईंदी तमामु सुठो इनजो लुक ईंदो हिन कलर सां, अगरि इहो न आहे त ज़रदे जो रंग विझी छॾिजो। मसालो चंगी तरह चिकन पीसिस ते लॻाए छॾिजो, ठीक है। वरी खां जो रेसिपी रिपीट करायां पियो, चिकन असां खणंदासीं हिकु किलो, ठीक है, हुनजा छह खां अठ पीस कराए छॾिजो, अगरि ॾेढ किलो आहे चिकन फुल चिकन आहे त हुनजा 12-16 पीस करे छॾिजो। हिकु किलो जे हिसाब सां ॿुधायां पियो, अदरक थूम जो पेस्ट विझंदो ॿ खाइण जा चमचा, लीमे जो रस छह खाइण जा चमचा, ठीक है, अदरक थूम जो पेस्ट ॿ खाइण जा चमचा, लीमे जो रस कढी वठिजो जूस उहो छह खाइण जा चमचा। हुन खां पोइ हिनमें चाट मसालो वेंदो ॿ चांहि जा चमचा, पीठल ॻाढ़ा मिर्च ॾेढ चांहि जो चमचो, हैड पीठल हिकु चांहि जो चमचो, लूणु विझंदो हिकु चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। गरम मसालो पाउडर हिनमें वियो केतिरो, अधु चांहि जो चमचो, अछो ज़ीरो हिकु चांहि जो चमचो, ऐं साबुत धाणा हिकु चांहि जा चमचा, ॿई मिलाए सेके छॾिजो। हुन खां पोइ हुनखे कुटे उहो विझंदो, ठीकु आहे। उहो विझण खां पोइ जंहिं असां छा विझंदासीं, बेसण, बेसण असां केतिरो विझंदासीं ॿ खाइण जा चमचा, ऐं कॉर्नफ्लोर विझंदासीं ॿ खाइण जा चमचा। हिनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं, ऐं या त ज़रदे जो रंग विझी छॾो, ज़रदे जो रंग न आहे था जी जी छा पे जो समझ ना पीछे और कॉल बैठो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। अदी कह रहे हैं कि थंग लाओ क्या? अदा मा तंदो जाम प्रभात बलोच जी। अदी कुछ चैन चाहिए? अदा यो मा ताने मुर्गी जो को चरगो ठाई ना जी। मोट चरगो ठांदो लाहौरी चरगो। अदा यो तो मेरे पंगे सिखा जो। अदी बस एक हफ्तो वेट करी बैठो, तब मा लाहौरी पूरो पंजाबी वीक कया पे, उनमे काफी सारा खादा है, तो वो काबली पुलाव है।
काबली पुलाव तो मन ठायो हो ब हफ्ता थे आइन ता डिठो ना शायद प्रोग्राम अच्छा ले चाय भी ओदा यखनी और जे का बिरयानी थी नी यखनी पुलाव भी मन ठायो सजी मा ले चाय नो आवा ना डिठो मुश्किल हां फेसबुक अगर मुजो पेज है फेसबुक ते अगर ज्वाइन करे सको ता तो होते मा ताके रेसिपी शेयर करे वठंदम ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा इनके मैरिनेट कितनी देर करे रखबो ट्रे का 4 कलाक 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करके रखें ठीक है 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके मैंने इसको अब तो मेरे पास टाइम इतना नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट फ्राई करूंगा वरना आपने क्या करना है 3 से 4 घंटे मैरिनेट करना है रेसिपी रिपीट करा रहा हूं 1 किलो चिकन थी इसके 6 पीस करा लें अगर 1.5 किलो है तो 12 पीस करा लें 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेंगे नमक आधा चाय का चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर ठीक है चाट मसाला डालेंगे 2 चाय के चम्मच या 3 चाय के चम्मच भी कर सकती हैं चटपटा हो जाएगा उसके बाद आपने सफेद जीरा और साबुत धनिया 1-1 चाय का चम्मच लेके रोस्ट करना है रोस्ट करने के बाद कूट के वो इसमें डाल देना है ठीक है उसके बाद आप डालेंगे इसमें लेमन जूस 6 खाने के चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच ठीक है फिर उसके बाद आप डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच और बेसन डालेंगे 2 खाने के चम्मच जर्दे का रंग या रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून से कम थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें मिक्स करने के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे इसको छोड़ दें छोड़ने के बाद इसको फिर हम ऑयल में फ्राई करेंगे फ्राई करने का मैं तरीका बताता हूँ गोभी के डिश था गोभी तकरीबन असाजी तैयार थी यहाँ इनके भुनियों का ठीक है ये गोभी हमारी डन हो गई है गल गई क्योंकि 20-25 मिनट में गोभी गल जाती है उसके बाद आपने इसको भूनना है जी जाहिदा है गुलिस्तान जोर से हेलो अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं कोई बात नहीं आप बताएं कोई रेसिपी कोई फरमाइश है आपकी क्या कह रही हैं आप लाहौर गई हुई है हेलो आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें हाँ जी आप दूसरे रूम में चाय बनाने की तरकीब कौन सी चाय सीख लो चाय चाय अच्छी नहीं बनाती आप चले ठीक है चाय का मैं वर्बली आपको बता देता हूँ बाकी गोभी की रेसिपी मैं रिपीट करा दूंगा ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा इसमें हरी मिर्चें डाल के मैंने दम पे रखा अब हम क्या करते हैं चिकन को करते हैं फ्राई हाँ ऐसा करना सी चिकन के फ्राई ठीक है मैरिनेटेड चिकन के फ्राई के होता छाकर टाइम असा वट एडो नथो हुए तो मां तांगे जो रिजल्ट दिखारण चाहे तो लेकिन तां इनके 4 कलाक 3 कलाक रखंदो अली भाई ये टॉक बैक की आवाज बंद कर दे शोर बहुत हो रहा है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑयल डालेंगे ऑयल इतना लेना है कि चिकन अच्छी फ्राई हो जाए बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करनी है 1 इंच इतना ऑयल डालें फ्राइंग पैन में कि 1 इंच हो फ्राइंग पैन में ऑयल ठीक है फिर आप जब चिकन इसमें फ्राई करेंगे तो वो फिर हम पलटते जाएंगे कोट कर इसका कोटिंग अच्छी फ्राई होती जाएगी कॉल बैठ हूँ अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक तुम दायो छा लाइन अच्छा थैंक यू अज भी सुठी डिश खाए था जेका फैमिलियर लाइन दी मतलब कॉमन शे आ बिल्कुल अच्छा अदा ये थो पुछनो त कुल्फी जेको तहा प्रोग्राम ओ सा हम इसके सा कोन लिखी सग्या सी कुल्फी अना मऊ ठाई कोने अदी कुल्फी ओ अदी के कॉल कई भी पुछण लाए त हाने गर्मी में स्टार्ट जोन त कुल्फी इंशाल्लाह जल्द मैं ठाइन वारो है आइसक्रीम सही कुल्फियों अच्छा आई बारन जी फरमाइश त संगे वेनिला आइसक्रीम अदा सिखारे केडी आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम इंशाल्लाह बस थोड़ो इंतजार कयो हाणे गर्मियूं अचन पयूं तब मां स्टार्टिंग में ही ना ही आइसक्रीम रही कुल्फियूं वगैरह ये ठाहिण सेखारंदम ठीक आ थैंक यू सो मच थैंक यू अदी पंहिंजो ख्याल रखियो थैंक यू फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज अच्छा सावा धोणा थोड़ा कट करे था तू ठीक है हरा धनिया थोड़ा कट कर लेते बस ये इसके दम आ जाए यहाँ पे ऑयल गरम हो गया अच्छा हींअर अदी तां मूंखे कॉल कई आइसक्रीम लाइ त मुंहिंजो पेज आहे अगरि तव्हांखे जल्दी खपे ॿारनि खे ठाहिणी आहे त पोइ कुकिंग विद शेफ़ फैसल कुकिंग विद शेफ़ फैसल CHEF शेफ़ फैसल सर्च कजो फेसबुक ते मुंहिंजो पेज आहे ठीकु आहे हुनखे लाइक कंदो हुते मूंखे मैसेज करे छॾिजो मां तव्हांखे आइसक्रीम या कुल्फी जी जेका रेसिपीज़ आहिनि हुते आहिनि मां तव्हांखे शेयर करे वठंदमि ठीकु आहे कुकिंग विद शेफ़ फैसल आहे फेसबुक ते मुंहिंजो पेज हुनखे लाइक करे वठिजो
लेकिन हुनते भी बटर किस्म जा माण्हू मुंहिंजा फेक पेज ठाहियल आहिनि जेको 43,000 खां प्लस आहिनि. उहे मुंहिंजो पेज आहे, कुझु नंढा 200-300 ईअं बि लाइक्स आहिनि, उहे न लाइक कजो. मुंहिंजो पर्सनल पेज आहे, ठीकु आहे, जिन ते इन किचन जी पिक्चर बि लॻियल आहे, हिन किचन जी पिक्चर लॻियल आहे, त उहो मुंहिंजो पेज आहे. अच्छा, हाणे असां कयूं था चिकन खे फ्राई. चिकन को हम फ्राई करते हैं, एक एक पीस उठा के इस तरह रखते जाए, ठीक है. कोटिंग इसकी बहुत अच्छी है, उतरेगी नहीं. एक पीस इनके अंदर रखना वनो. बेसण जो असा विधो है, कॉर्नफ्लोर विधो है, उनके करे इनकी कोटिंग ढी जबरदस्त है, ठीक है. इस तरह पहले ये 3-4 पीस डालते हैं, उसके बाद आगे हम फ्राई करते हैं, ठीक है. ये फ्राई थे पे मीडियम फ्लेम पे, इलाही तेज भी आंच ना हो, हल्की खां मीडियम रखिजो, ताकि तव्हांजी जेका चिकन आहे उहा सड़े न, ठीकु आहे, अंदरि ताईं पची वञे. लेकिन 3-4 कलाकनि खे मैरिनेट करे रखिजो. मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, और ख़्याल कीजिएगा कि आपकी चिकन जले ना. तेज़ आंच होगी तो ये आपकी चिकन जल भी सकती है, ठीक है. मीडियम फ्लेम पे ही पकती रहेगी, फिर इसका साइड पलट देंगे, फिर इसको चारों तरफ से हमने गोल्डन कलर में फ्राई करना है. अब यहाँ पर हमारी बंद गोभी हो गई है तैयार, इसको थोड़ा भून लेते हैं. हरी मिर्चें डाली थी वो नरम हो गई, सावा मिर्च विधा, ये नरम थी गया है. हाने इनके डिश आउट कहूँ था, ठीक है. अच्छी तरह एक दफ़ा भून ले इसको, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए. गोभी की रेसिपी जाहिदा कराची से आपने कॉल की थी, गोभी की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ. 6 खाने के चम्मच ऑयल डालें, गरम करें, उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 चाय के चम्मच आपने राई को कूट के डालना है, ठीक है. राई को कूट के ज़ीरे के साथ डालें, हल्का सा वो भगार आएगा. अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें इसमें. कितना डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट? 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदद हाफ स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज डाल के इसको लाइट सा गोल्डन फ्राई करें, और साथ ही एक हरी मिर्च चॉप करके डालें. हरी मिर्च प्याज के साथ फ्राई होगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है. फिर उसके बाद आपने 2 अदद टमाटर लाल चॉप करके डाल देने, टमाटर को कवर कर दें, टमाटर नरम हो जाएंगे. फिर इसमें डालेंगे पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगी 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आप डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून से, आधा चाय के चम्मच से कम, और नमक 1/2 चाय का चम्मच डाल के मसाले को अच्छी तरह भूने. जब ग्रेवी तैयार हो जाए, बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आपने गोभी डालनी है, पत्ता गोभी जो बंद गोभी होती है 1/2 किलो जितनी या 1.5 पाव वजन की हो, कटिंग करके डाल के उसको 2-3 मिनट भूनना है अच्छी तरह मसाले में भून के. फिर इसमें 1/2 कप पानी डाल के हल्की आंच पे रख दें 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के लिए. जब गोभी गल जाएगी फिर उसको अच्छी तरह भूने, भूनने के बाद हरी मिर्चें काट के 3-4 अदद डाल दें, साबुत डाल दें, फिर दम पे रखें 5 मिनट. तैयार हो गई, इसको मैं भून रहा हूँ, ठीक है. अब चूल्हा बंद करके इसमें हम डालेंगे लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लेमन जूस चला गया. इसको मिक्स करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है. लीमे जो रस विजी इनके डिश आउट क्यों था, आई मीन के रखा तो टेबल पे, डिश आउट करें. ब्रेक जो टाइम थे कारण जो जैसे चिकन फ्राई पे थे पे चिकन की रेसिपी वरी रिपीट करें तुम्हें. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं हे चिकन जेका फ्राई थिए पई, चिकन जो तव्हां कलर ॾिसी सघो था, मां हिनखे पलटाए छॾियो आहे, ठीकु आहे. पलटाइण खां पोइ हिनखे वरी मीडियम फ्लेम ते ई पचण ॾियो, ताकि लेकिन 4-6 कलाक हिनखे घटि में घटि रखंदो, मैरिनेट करी मसाले में, तॾहिं चिकन तव्हांजी सुठी ठहंदी. फौरन जीअं मां हिते फ्राई कयां पियो सिर्फ़ु तव्हांखे ॾेखारण लाइ, लेकिन ई पोइ अंदरां कची रहिजी वेंदी, अंदरां ब्लड अची वेंदो, हिन करे हिनखे चङी तरह मैरिनेट करे कवर करे 4-6 कलाक फ्रिज में रखी छॾिजो. हुन खां पोइ तव्हां फ्राई कंदो, ज़बरदस्त तव्हांजी चिकन तयारु थींदी. कलर हिनजो तव्हां ॾिसो पिया, बिल्कुलु हाणे ज़बरदस्त अची वियो आहे, रेडी स्टोन में अची वियो. हिनखे हीअं पकड़े चारों तरफ़ खां लेग पीस खे बि फ्राई कंदा रहो, ठीकु आहे. लेग पीस को बि त पकड़ के फ्राई करते रहे, ताकि ये चारों तरफ़ से इसका कलर आ जाए. मसाला हल्का सा उतरेगा, ज़्यादा नहीं उतरेगा, और जो उतरे तो इसके बाद ये ऑयल छान के आपने रख देना, ठंडा करें ऑयल को, उसके बाद आपने छान लेना ऑयल को, छान के रखें. अगेन आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है उसमें डाल दें, नहीं तो कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राइज़ बना रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन ऑयल को हमेशा ठंडा करके फिर छान के रखा करें, ठीक है. ऑयल जैसे ऐसा इस्तेमाल करना हो वो इनके थदो कयो, थदे करने का पोइ छाणी हिकड़ी रखी छॾो ऑयल जे लाइ, उनमें छाणे ऑयल के साइड में रखी छॾो. 3 दफ़ा तव्हां इनमें काबी शइ फ्राई करे सघो, 3 दफ़ा खां वधीक न ऑयल में का शइ फ्राई कंदा कयो, उनखां छा थींदो आहे ऑयल कारो थी वेंदो आहे ऐं हुनजो सॼो ख़तमु थी वेंदो आहे, ठीकु आहे. पोइ मच्छी भले अगरि फ्राई कयो त मच्छी वारो ऑयल बि 3 दफ़ा मच्छी में फ्राई करे सघो था, डीप फ्राई वारो ऑयल संभाली रखी छॾो था, लेकिन छाणे रखंदा कयो, ठीकु आहे. इनमें पीसिस हूंदा आहिनि, उहो ख़राबु थी वेंदा आहिनि. चङी तरह रोस्ट थिए पई, चारों तरफ़ खां फ्राई थिए पई,
हाँ जल्दी इनके कद तो चारों तरफ का क्रिस्पी थी अच्छा इनके कटंदा प्लेटर में वरी 5 मिनट रखी वरी इनके तेज़ भाई ते फ्राई कबो उनका छाती क्रिस्पी थी वी ढी जबरदस्त थी वी ठीक है। अब इसको हम निकाल देते हैं फ्राई हो जाए उसके बाद इसको आप निकाल दें प्लेटर में। निकालने के बाद अगेन आपने क्या करना है इसको आपने फ्राई करना है वो तेज़ आंच पे करेंगे। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है इस तरह इसका कलर आएगा। अगर रेड फूड कलर नहीं है तो आप येलो फूड कलर यूज़ करें जो जर्दी का रंग होता है ठीक है। अगर गाढ़ो कलर ना आए तो पीलो कलर तुम यूज़ कर सको था इन तरीके से चिकन पीसेस फ्राइड चिकन अहिंसा गद रायता मां चटनियों काफ़ी सारी ठाण से खाने रायतो या चटनी ठाई उनमें टाइम से सर्व करो ब्रेड से गड चावर से गड इनके खाई सको था ठीक है। अच्छा हाँ इतने ब्याज के पीसेज हैं इनके भी फ्राई करता हूँ दूसरे पीसेज हैं तो 1 किलो में ये 6 पीसेस बन गए बड़े छोटे भी कर सकते हैं इसके पीसेस ज़रूरी कि आप इस तरह के बड़े पीसेस बनाएं ठीक है। 1 किलो में 6 पीसेस मुँह कया लेकिन तंजा वा पीसेस भी नंढा पीसेस भी कर सको था ठीक है। नंढा पीसेस घना थी 8 थी वा इंजा इस तरह आपने फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद इनकी रेसिपी वरी रिपीट कराया पो ठीक है। अगे हफ्ते ऋजो अगे हफ्ते जो तमाम सुठी फरमाइशूँ तुम उ काफ़ी सारी वैरायटी है वो सब कदासी वरी लाहौरी भी कदासी उनसा गड बी भी काफ़ी सारी वैरायटियों सब ठाईंदा रहा ठीक है। बेकिंग जो भी वीक करो है तो बेकिंग सजी स्टार्ट कदासी पूरा वीक बेकिंग जो रखासी ठीक है। ये फ्राई से पी रेसिपी रिपीट कराया तो 1 किलो चिकन खणजो अगर 1 किलो का 1.5 किलो भी आए तो इनमें कट्स लगाए छो चिकन के वॉश कजो कट्स लगाए छाणी में रखी छो पानी निकली वे प्याले में विझो उनमें विझो अदरक थूमजो पेस्ट ब खाण जो चमचा लीमे जो रस विझो 6 खां 8 खाण 1.5 किलो है तो 8 खाण चमचा कई छो 1 किलो है तो 6 खाण चमचा लीमे जो रस विझी छो उनमें विझो चाट मसालो ब चाय जो चमचा पीठल गाढ़ा मिर्च 1.5 चाय जो चमचो लूण 1 चाय जो चमचो ठीक है। उनसा गड में विझो गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय जो चमचो अछो जीरो भुनियल कुटियल साबुत धाणा बई 1-1 चाय जो चमचो खणजो अछो जीरो 1 चाय जो चमचो साबुत धाणा तए के मत मिक्स कर रोस्ट कजो कुटे वो भी पाउडर फॉर्म में वो विझी छो ठीक है। उनसा तान में विझो कॉर्नफ्लोर ब खाण जहाँ चमचा उनसा गड ये है बेसण ब खाण जहाँ चमचा ठीक है। बेसण ब खाण जहाँ चमचा कॉर्नफ्लोर ब खाण जहाँ चमचा चाट मसालो ब खाण जहाँ चमचा या सॉरी ब चाय जो चमचा या 1.5 चाय जो चमचो चाट मसालो विझी इनके मिक्स कजो जर्दे जो रंग आए तो 4 चाय जो चमचो वो ही छो या रेड फूड कलर गाढ़े कलर में आए रंग तो यो विझी छो लेकिन सुठी कंपनी जो वो खुला रंग जो मिलना है ये ना ठीक है। यो विझी चंगी तरह के मिक्स कजो मिक्स करने का तक केतो रखो 4-6 कलाक रखो फ्रिज में कवर कर तो इनके तीन तरीके से ऑयल में फ्राई कजो ऑयल एतो खणजो कि 1 इंच जितो हो या कढ़ाई में भी कर सको था। फ्राई करने का इनके चारों तरफ का फ्राई कजो फ्राई करने का कटी वरी तेज़ बाहे से एक दफा वरी फ्राई कबो अना सुठी क्रिस्पी क्रंची थी वी ठीक है। इनके चावर से गड या मानी से गड सर्व कजो मेहमान अचन या बारन जेला ठाण चाहो ठाई सको था ठीक है। इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसके लिए आपने क्या लेना है 1 किलो चिकन या 1.5 किलो जितनी चिकन है मैंने 1 किलो गोश्त के हिसाब से लिए उसमें हमने 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच अच्छा शाजिया कॉल बट होता हालाक है नदी शाजिया हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा शाह हाल है नदी हां दा बिल्कुल ठीक ता अदा ता की आयो बिल्कुल दुआओं ता जो हां दा जुतू ना छो जुतू ता तमाम बेहतरीन रेसिपी सखायो मेहरबानी हां दा को फरमाइश आदी अदा फरमाइश मुझे आए ता वटे केड़ी क्रिस्पी चिकन हां यो मां ठाइंदम छो के बिरोज जी भी मुके फरमाइश अच्छे पई तो ये मुके सजो करणो आए तो मां इंशाल्लाह जरूर ठाइंदम। मौसम जो हाल बुदायो छा होते हाँ गर्मी अच्छी ना गर्मी अच्छा अच्छा हाँ घर में सब ठीक ठाक खैरियत मसाला चार का 6 कलाक तक रखो ना मैरिनेट करे आई कट्स लगाइंदो तो कच्ची ना रहंदी कट्स लगाने जो मकसद ही होंदो है कि अंदर तई मसालो बने उनमें हां तो ये ये सर करना है पर उन्हें बावजूद ना सुठो तो मां थोड़ी स्टीम में मतलब चिकन के पचाए करे पो मसाला लगाए जन न न न न पो मसाले जो मजो ना जो जडे तांगे मैरिनेट ना कंदो डायरेक्ट चिकन फ्राई कंदो ना पुछा थिंदो के चिकन सफा फिक्की हुंदी ए मसालो मथा लगाइंदो पो मसालो जो मथा चिंबड़ंदो कोने हां
अच्छा अगर ना अगर ये लगे तो ना तो इनके छह का अठ कलाक या अगर तांके शाम जो ठाणी है सुबह का करे मैरिनेट करे रखी छड़ो अगर सुबह जो ठाणी है रात जो मैरिनेट करे फ्रिज में रखी छड़ो वो कौन थी अच्छा ठीक है तो मां तो कोशिश करने पर अक्सर मुझे कच्ची रहती भी नहीं आईने जे करे वरी पूछम हां ठीक है वरी हां थोड़ा ज्यादा करे वधिक टाइम दिंदो ना तो मैरिनेशन एंड कट्स लगाइंदा हो जडे कट्स लगाइंदो तो हड्डी तांके फील थी ना जे छुरी सा एतरो डीप कट लगाए जो कि हड्डी ताई वो हली वने कट ताकि वो मसालो अंदर विंदो ब्लड ना हिंदो और कच्चो पन ना रहंदो हां तो मैं कट भी लगाई नहीं आया अच्छा तो वरी ये तरीके से खाए रे हाने जरूर इन तरीके से करे रे जो हां तो अय्या जी का तो गोभी वाली थाए भैया भी जबरदस्त रेसिपी मां वरी ने जो पकोड़ा खाई नहीं आया अच्छा मुखे जी रेसिपी मोकली से जो पकोड़न जे मां ताजे नाले कटाइंदम ठीक है हां दई बस सिंपली आओ अभी हालो मुखे मोकली छजो पकोड़न जी रेसिपी सबने दिन के सलामत सारा जी काल ना पिया छे दादा मिस पे आ गयो अलाई किथे आई सारा ठीक है पंजो ख्याल रख जो कोड़सा रो थैंक यू अदी अल्लाह हाफिज हाने से जा कंदा सी इते ऑयल के फुल गरम कंदा सी एक दफा इसको निकालने के बाद ऑयल को फुल गरम कर दिया है और इसको अगेन फुल गरम ऑयल में एक दफा डालेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए ठीक है इस तरह डालते जाएं पीसेस को और इसको एक दफा सिर्फ हमने तेज ऑयल में गरम करना है और फ्राई करना है दोबारा ठीक है 5 मिनट निकालने के बाद 5 मिनट था पो इनके अगेन फ्राई कर दो तेज बाहे से ऑयल सफा तेज गरम हो जाए ठीक है ऑयल बिल्कुल तेज गरम होना चाहिए इस पीसेस को डालते जाएं और फिर 2 मिनट बाद निकाल दें पलटते जाएं ठीक है यानी कि एक साइड से ही सारा हो जाए इस तरह करने के बाद आपने इसको दोबारा निकालते जाना अच्छी तरह एक तरफ देखिए इससे क्या होगा कि ये क्रंची हो जाएगी ठीक है और ज़्यादा क्योंकि हम जब एक दफ़ा बना के इस तरह के चिकन जो कोटेड वाले ब्रोस्ट अलग चीज़ होती है उसको हम कोट करके जब करते हैं तो वो क्रंची हो जाता है लेकिन इस तरह की जब हम फ्राइड चिकन बनाते हैं तो उसको क्या होता है कि ये हम जब बनाते हैं तो वो नरम हो जाती है बाहर निकाल के रखते हैं ठीक है अभी ये नरम नहीं होगी एक दफ़ा तेज़ आंच पे इसको दोबारा 2-2 मिनट के लिए डालें लेकिन ख्याल कीजिएगा जले ना ठीक है इसको पलटाते जाएं इस तरह ये अब क्रंची हो जाएगी इनके छह तरीके का रहा है कि एकड़े दफ़ा जब असं इनके फ्राई कंदा आयो तो वो नरम थी वेंदी है कढ़ंदा आयो ठीक है वरी तेज़ बाहे ते चुल्हे के तेज़ गरम कजो ऑयल तेज़ गरम हो जाए वरी उनके वेजी एकड़े दफ़ा वरी फ्राई कंदो तेज़ बाहे ते जिन तेज़ गरम ऑयल में तो इनका छा थींदो कड़क थी वेंदी बिल्कुल क्रिस्पी थी वेंदी अही नरम ना थींदी न तो छा थींदो अक्सर चिकन नरम थी वेंदी हाने ॾिसो ये बिल्कुल क्रंची थी वही है चलो बंद कयूं था इनके डिश आउट कयूं था ठीक है इसको अच्छी तरह इस तरह प्रेस करें ताकि इसका जो थोड़ा इसमें जूसी सी हो जाती है ये फ्राई करने के बाद हम निकाल के रखते हैं थोड़ी सॉगी हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है उसके बाद ये दोबारा आप फ्राई करेंगे तो ये क्रंची हो जाएगी अभी हो गई और ऑयल को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर आपने छान लेना है और फिर इसको एक डब्बे में स्टील का ऐसा बॉक्स हो कुछ उसमें आप रख दें उससे क्या होगा कि आपका ऑयल सेफ रहेगा फिर वो आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं हाने से कहीं चिकन जा पीसेस हैं ये सब रखूँ था प्लेटर में बल्कि गर्म है ठीक है टिशू के ऊपर निकाल लीजिएगा मैंने टिशू पे निकाला नहीं टिशू पे निकालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा ऑयल इसका बिल्कुल जज्ब हो जाएगा जी कॉल बटू था हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कह रहे हैं कि थंग लाओ प्या जी कुछ चैन चाहिए तो अच्छा तुम ट्राई कई हलो मेहरबानी तुम कॉल करे बुधाई को फरमाइश है तो बुधाए जो फरमाइश है त्रया कई दी शाह जी साईं है तेरा फरमाइश कई दी जरा दी आवाज नहीं समझ आ रही इनकी मुझे भाई तेरा जरा दी दी फरमाइश कई अच्छा जलेबी जी फरमाइश कई ठीक है जलेबी अगले हफ्ते मां ठाया पे जरूर दे से जो ठीक है ओके जी थैंक यू जलेबी अगले हफ्ते बना रहा हूँ जलेबी मैंने पहले भी बनाई है तो अगले हफ्ते दोबारा बना रहा हूँ नेक्स्ट वीक ज़रूर देखिए अब क्या करेंगे इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा चाट मसालो मथा वधीक ना स्पाइसी ना करनो चाट मसाला सब पीसेस पे हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें इस तरह ठीक है इसके साथ बस मैं गार्निश में कुछ और ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ सलाद रख रहे हैं या खीरा इस तरह आपने खीरा कट्स करके खीरे को हमेशा हाँ जी एक मिनट रुक जाए एक मिनट रुक जाए एक चीज़ दिखा दूँ अच्छा खीरा हमेशा स्किन के साथ इसकी ये नहीं हटाया करें ना छील के नहीं खाया करें ये इसमें फाइबर होता है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है इस तरह खीरा हमेशा छिलके के साथ खाया करें ज़्यादा अच्छा होता है हाजमा होता है खीरो जो छिले उनके लूण लगाए या निपूड़े से जो उनके
बिल्कुल पिलपिलो करे खाईंदा आहियो, ओडा कंदा कयो खीरे के खले सां गॾु खाईंदा कयो त तव्हांखे फ़ाइदो थींदो। चाट मसालो खीरे जे मथां थोरो सो विझी था छॾूं, ठीकु आहे। इस तरह खीरे के ऊपर चाट मसाला डाल के और इसको हम अब सर्व करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी डिश तैयार, ठीक है। अली भाई, अली भाई टाइम बताइएगा, टाइम कितना है, टाइम बताइएगा, ठीक है। ठीक है, फ्राइड चिकन हमारी हो गई तैयार, ठीक है। बंद गोभी जी रेसिपी भी तैयार थी हुई, फ्राइड चिकन असाई तैयार थी हुई, तो बई रेसिपीज देखिए, यह है फ्राइड चिकन और बंद गोभी। सुबह 11:05 पे या 11 बजे इस तरह रिपीट चलता है कुकिंग विद शेफ फैसल, मेरा पेज है, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी। कोई चीज़ समझना है तो मेरे पेज पे आप मैसेज कर सकती हैं, मुझसे पूछ सकती हैं। कुकिंग विद शेफ फैसल फेसबुक पे मेरा पेज है। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो, सिंध टीवी HD कुकिंग शो सर्च करें यूट्यूब पे। मेरी सारी वीडियोस कल तक की भी वीडियोस अपलोड हो जाती है, रात को 12 बजे से पहले ही अपलोड हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और मैं शेयर पेज पे भी अपनी शेयर कर देता हूँ, ये वाली वीडियोस जितनी भी होती है तो वहाँ पे मैं पेज पे भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीक भी आप लोग की फरमाइशें हैं और जलेबी बनेगी उसमें, ठीक है, और गुलाब जामुन बनाऊँगा, ये दोनों एक साथ बनाऊँगा। उसके अलावा भी बहुत सारी फरमाइशें, नाहिद खान की जो फरमाइश है वो भी फरमाइश है, और उसके साथ जो आप लोगों की फरमाइश है। फिर उसके बाद हम पंजाबी वीक स्टार्ट करेंगे, बेकिंग का वीक स्टार्ट करेंगे इस तरह के, और मेरी सेलिब्रेशन भी रह गई है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। 1500 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी मैं करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर, तो वो फिर आपको बताएंगे क्या। और केक्स मैंने भी बनाने हैं, एक दो केक्स बाकी रह गए हैं, वो बनाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये प्रोग्राम ज़रूर नेक्स्ट वीक देखिएगा, नेक्स्ट वीक की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। कोई चीज़ समझना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं पेज पे, ठीक है। सुबह जो 11:05 से रिपीट हल दो, कुकिंग विद शेफ फैसल मुझे पेज आए, कुकिंग विद शेफ फैसल फेसबुक ते मुझे पेज है, उते रेसिपी अपलोड करे छंदो। काश है समझ नथी अचे, मैसेज करे मुखा गलाई सगो ता पुछे सगो ता, ठीक है। पंजो खोड़ सारो ख्याल रखजो, आई नेक्स्ट वीक जी रेसिपीज जो जलेबी जी फरमाइश ता कई हाने त इयो मुखे याद आए, अगे हफ्ते जरूर ठाइना सी। गुलाब जामुन भी ठांदा, उन सगन भी काफी सारी वैरायटी है, बेकिंग भी है, त इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वरी मुलाकात है। दुआओं में याद रखजो, अल्लाह हाफिज़।